हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल 5 को आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल करके एग्जाम्पल नंबर 5 को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। अगर मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखूंगा ना, तो इससे क्या हो जाएगा, जगह का शॉर्टेज हो जाएगा। इसीलिए आप पेज नंबर देखो, पहले तो ऊपर क्लास 11th है, क्लास 11th एक्सरसाइज, ये जो एग्जाम्पल चल रहे हैं बच्चों, ये 9.3 के चल रहे हैं, 2 के चल रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 के एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, और एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल है ये 5। ठीक है, तो अब वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल 5 है। कौन सा है, एग्जाम्पल 5 है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस पर लिख देना एक बार, दो चार बार ढंग से लिख देना इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए पेज नंबर लिख देता हूँ, क्योंकि हिंदी वाली जो बुक है उसमें ये पेज नंबर है, पेज नंबर 195, 195 हिंदी वाली बुक में है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल np प्लस हाफ n n माइनस 1 इंटू क्यू है, जहाँ p तथा q अचर हो, तो सार्वन्तर d ज्ञात करो। हमें क्या निकालना है, सार्वन्तर, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है इस एपी का। ठीक है, और हमें क्या मालूम है, हमें है एन पदों का योगफल पता है, एन पदों का योगफल। ठीक है, और पी और क्यू अचर है, तो हमें सार्वन्तर डी बताना है कितना है। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं, वी नो डेट एन पदों के योगफल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रथम एन पदों के योगफल को हम किससे दर्शाते हैं, सभी को पता है कि SN बोलते हैं, बोलते हैं नहीं, प्रथम एन पदों का योगफल होता है SN, SN की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, 1 सेकंड, जरा एक कॉल आ रहा है, थोड़ा 1 सेकंड बच्चों। चलो देखिए, एन पदों के योगफल, एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ ना, कॉल की वजह से कट तो नहीं गया। हाँ ठीक है, चलो देखिए, एन पदों के योगफल का जो सिंबल होता है SN होता है, प्रथम एन पदों के योगफल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SN से करते हैं, SN की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, प्रथम एन पदों का योगफल दे रखा है हमें, तो उसको हम लेकर चलेंगे। पहले देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल NP प्लस हाफ N इंटू N माइनस 1 इंटू Q है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ईपी, योगफल हम जानते हैं, इसको SN से शो करते हैं, SN की वैल्यू गिवन है, NP प्लस हाफ N N माइनस 1 इंटू में Q। ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है, और क्वेश्चन में कहता है कि जहां पी और क्यू कांस्टेंट है, अचर है, फिक्स वैल्यू है ये। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें केवल SN गिवन है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सार्वन्तर डी, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है इस एपी से। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें, हमारे पास 2 टर्म्स होनी चाहिए एपी की, एपी का A1 फर्स्ट टर्म और A2 होनी चाहिए। जैसे ही हमारे पास A1 A2 आ जाएगा, तो देयर फॉर हम डी कैसे निकाल देंगे, A2 माइनस A1 करके। हम जानते हैं, वी नो डैट, कि डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले AB का फर्स्ट पद निकालना पड़ेगा, प्रथम टर्म निकालनी पड़ेगी AP की, A1 फिर A2, और जैसे A1 A2 मिल जाएगा, तो हम डी निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, देखिए, अगर यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 रख दो पहले। ठीक है, n की वैल्यू जब 1 रखेंगे, तो क्या होगा, S1 इज इक्वल टू, जहां जहां n है वहां 1 पुट कर दो, 1 इंटू पी प्लस में हाफ इंटू n की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 इंटू में q,
एस वन इज इक्वल टू पी वन, जब पी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वन में से वन माइनस होगा तो जीरो आएगा, और जीरो का मल्टीप्लाई से ये सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सीधा यहाँ पर क्या आएगा, जीरो, तो एस वन इज इक्वल टू पी हो जाएगा। अब बच्चों हम जानते हैं कि एपी का प्रथम पद, मान लिया कोई एपी है, 1 2 3 4 है, प्रथम पद का योग क्या होगा, हमेशा प्रथम पद ही निकलेगा, तो एस वन को हमेशा क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं एपी का। ध्यान रखना एस वन, एक पद का योगफल केवल एक ही पद होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो देयर फॉर एस वन ही एपी का क्या होता है, प्रथम पद ए वन होता है। तो एस वन इज इक्वल टू ए वन इक्वल टू पी, ठीक है। तो चलो यहां तक क्लियर है बात। उसके बाद सिमिलरली हमें क्या करना है, इसी प्रकार हमें यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, पुट n इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस वाले स्टेटमेंट में आपको क्या करनी है, n की वैल्यू पुट करनी है। तो एस टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख लीजिएगा, हाफ n की वैल्यू 2, और यहाँ पे भी n की वैल्यू 2, माइनस में 1 इंटू में q, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, एस टू इज इक्वल टू पी का 2 से मल्टीप्लाई 2p, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई q में होगा तो केवल q आएगा, 2p प्लस q, ठीक है। सिंस बच्चों में पता है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि एस टू का मतलब होता है कि एपी के जो 2 टर्म्स है उनका सम, उनका योगफल, 2 टर्म्स का योगफल होता है। एस टू क्या रिप्रेजेंट करता है, एस टू रिप्रेजेंट करता है कि ए वन प्लस ए टू का योगफल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। एस टू का मतलब है कि एपी के जो 2 टर्म्स है, पद है, उनका योगफल को शो करता है एस टू। देयरफॉर एस टू को हम क्या लिख सकते हैं, ए वन प्लस ए टू, ठीक है। अब ए वन की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर देखिए एस टू की वैल्यू हमने निकाल दी है, ये रही, देखिए 2p प्लस q, एस टू की वैल्यू, ए वन की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी है, ए वन यहाँ पे पुट कर लो, प्लस में ए टू हम यहाँ से निकाल देंगे अब, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 2p, ये p इधर आएगा लेफ्ट में, माइनस का p हो जाएगा, ठीक है, और इधर आएगा माइनस का p हो जाएगा, और साथ ही क्या चल रहा था, साथ ही ये q चल रहा था, प्लस में q चल रहा था, उसको हमने सेम रख दिया, और ए टू सिमिलरली, ठीक है, ए टू को हमने सेम रख दिया। अब देखिए 2p में से p माइनस होगा तो 1p आएगा, प्लस का, प्लस में q इक्वल टू ए टू आएगा। तो देयर फॉर ए टू की वैल्यू भी हमने क्या निकाल दी, p प्लस में q निकाल दी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें सर्वांतर निकालना, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस में इधर साइड में निकालता हूँ, देखिए ध्यान से, वी नो डैट, हम जानते हैं कि अगर एपी के 2 पद हमारे पास हो, ए वन और ए टू, तो वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं कि जो सर्वांतर होता है डी, यानी कॉमन डिफरेंस होता है, वो ए टू माइनस ए वन करके मिलता है हमेशा। तो डी इज इक्वल टू ए टू की वैल्यू पुट कर लो, पी प्लस क्यू, माइनस ए वन की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिएगा, एस वन ए वन एक ही बात है, पी है इसकी वैल्यू, पी, पी से पी साफ हो गया, तो देयर फॉर क्यू, तो इस पूरी एपी का सर्वांतर क्यू हो जाएगा। आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो स्टार्ट की जाए, तो विद्वानों ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से नोट कर देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पक्के करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होता है, एक्सरसाइज में जाने की सीढ़ी होती है, इस बात का ध्यान रहे। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको 9.2 में मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल 6 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 3n+8:7n+15 है, 12वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों श्रेणियों के 12वें पद का अनुपात हमें निकालना है, ठीक
ट्वेल्व टर्म्स का जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर, और ये क्वेश्चन इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया है, ठीक है, रेशियो के केस से। इस बात का ध्यान रहे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट भी है, ठीक है, इस पर भी लिख देना इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान सुन लो, इसमें क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास दो एपी है, दो समांतर श्रेणियों के एन पदों के योगफल का अनुपात हमें गिवन है, तो हमें 12वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है कि जो दोनों एपी है उनके जो 12वें पद होंगे उनका रेशियो क्या होगा, वो हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना दोनों एपी के दो समांतर श्रेणी है ना, तो हमने क्या मान लिया, माना दोनों एपी के प्रथम पद क्रमशः A1 व A2 है। पहली वाली एपी का प्रथम पद A1 मान लिया और दूसरी वाली एपी का A2 मान लिया, A2 है, प्रथम पद क्रमशः A1 व A2 है, तथा दोनों एपी के सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, दोनों एपी के सर्वांतर D1 व D2 है, क्रमशः क्या हो रहा है, क्रमशः D1 व D2 है, ठीक है। हमारे पास दो एपी है, दोनों एपी के हमने प्रथम पद A1 A2 मान लिया और दोनों एपी के सर्वांतर अलग अलग D1 D2 मान लिए, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल और अपॉन दूसरी एपी के, यानी दूसरी एपी के n पदों का योगफल का अनुपात, अनुपात हमसे पूछा है, रेशियो पूछा है दोनों एपी के एन पदों के योगफल का, तो दोनों के योगफल को डिवाइड कर दिया और इसकी वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में कि दोनों एपी के एन पदों का योगफल का अनुपात क्या है, 3n+8, 7n+15। तो पहली वाली 3n+8, 7n+15 क्या है, 15, ठीक है। अब बुक को रखो साइड में, चलो अब आओ समझने पर। चलो इतनी बात क्लियर समझ में आती है, प्रथम एपी के जो एन पदों का योगफल था और दूसरी एपी के जो एन पदों का योगफल था उनका अनुपात हमें गिवन है, अनुपात का मतलब होता है बटे में लिख लो दोनों को, वो हमें इस प्रकार से गिवन है, ठीक है। अब बच्चों हम जानते हैं कि प्रथम एपी के जो एन पदों का योगफल का सूत्र क्या बन जाएगा, एस एन बराबर, फॉर्मूला क्या था पता है आपको, योगफल का एस एन बराबर n/2 2a+n n-1 d, इस तरह का फॉर्मूला था कुछ। आपको पता होगा कि एपी का जो सम ऑफ एपी हम कैसे निकालते हैं, n/2 2a+n-1 d से निकालते हैं। प्रथम एपी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 2a1 n-1 d1, ठीक है, क्योंकि पहली एपी का प्रथम पद A1 है और सर्वांतर D1 है। तो सिमिलरली यहां पे मैं क्या लिखूंगा, n/2 2a 2a1+n-1 d1, ठीक है, प्रथम एपी के एन पदों का योगफल का फॉर्मूला ये लगा दिया मैंने इसके नीचे, ठीक है। चलो यहां तक बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्लियर, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, लिख लिया करो ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान हो सके। देखिए यहाँ पे दूसरी एपी का n/2 2
A2, दूसरी एपी का जो प्रथम पद है वो क्या, A2, तो A के स्थान पे A2, N माइनस 1 इंटू D2, सर्वांतर क्या है, D2 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखिए, 3N+8 अपॉन 7N+15 ये हमें गिवन है रेशियो। इन दोनों एपी के एन पदों के योगफल का जो रेशियो है वो हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है वो। ठीक है, तो अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक ठीक है, फोकस करके देखिए। N/2 N/2 सेम सेम कट जाएगा पूरा, ठीक है, कट जाएगा, क्या बचेगा, 2A1 प्लस में N-1 इंटू D1। नीचे क्या बचेगा, 2A2 प्लस N-1 इंटू में D2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या चल रहा था राइट में, 3N+8 अपॉन में 7N+15। यहाँ तक बात क्लियर आई, समझ में नहीं आई, चलो अब मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर से 2 कॉमन लूँगा, ठीक है, और सेम मैं क्या करूँगा, नीचे से भी 2 कॉमन लूँगा, इस बात का ध्यान रहे। तो जब ऊपर से 2 कॉमन आएगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ तो केवल A1 बच जाएगा और यहाँ 2 नहीं था, तो जहाँ पे 2 नहीं होता है वहाँ 2 का डिवाइड होता है कॉमन लेते हुए, इस बात का ध्यान रहे, और इनटू में D1 चल रहा है। सिमिलरली आपको क्या करना है, सेम इसी प्रकार यहाँ से भी 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं 2, ठीक है, जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो बच जाएगा A2 और यहाँ पे 2 नहीं था तो यहाँ 2 का डिवाइड हो जाता है, इस बात का ध्यान रहे। आपने फिजिक्स में बहुत करा होगा ये, इस तरह की कंडीशन फिजिक्स में ज़्यादा बनती है। ठीक है, चलो आई बात समझ में इतना क्लियर, ठीक है, 3N+8 अपॉन 7N+15। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसका इंटू अंदर करते हो ना तो आपको कंडीशन यही मिलने वाली, कैसे देखिए, 2A1 2 का जब मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये मिल जाएगा और इंटू में D1 है ना, तो सिमिलरली आपको पता है, बात समझ में आनी चाहिए। चलो देखिए, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बच्चों वीडियो पॉज करके पहले आपको यहाँ तक इसको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि जगह का शॉर्टेज है ना ये, पहले ज़रा वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद जस्ट हम स्टार्ट करेंगे, पहले आप इसको ध्यान से नोट कीजिएगा बिल्कुल। चलो भाई, तो विद्वानों उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपने यहाँ तक इसको नोट कर दिया होगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब इसके बाद का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, इसकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ, ठीक है, चलो देखिए ध्यान से, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा है, यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है A1 और प्लस में N-1/2 और इंटू D1, और यहाँ क्या बचा है, A2+N-1/2 D2, दूसरी एपी का सारांश D2, ठीक है, अनुपात रेशियो साथ में चल रहा है, 3N+8/7N+15, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो हमारा काम खत्म हो गया है, लेकिन क्वेश्चन में आगे कुछ और लिखा था, एक बार बुक लेकर देख लेता हूँ मैं कि और क्या बोला था इसने, 12वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, 12वें पद का अनुपात निकालना, ठीक है, तो बच्चों जरा ध्यान दो, 12वें पद का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, पहले ध्यान से देखिएगा इधर, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, हमसे पूछ रहा है कि दोनों एपी का जो 12वां पद है उसका अनुपात बताओ, ठीक है, हमें SN योगफल दे रखा है AP का, हमें 12वें पद का अनुपात बताना है, तो देखिए कैसे हम 12वें पद का अनुपात बताएंगे उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर पहले यहाँ पर समझ लीजिएगा कि यदि अगर मैंने एक AP मान लिया मैंने एक AP, मेरे पास फर्स्ट AP है और इसका प्रथम पद मैंने A1 माना था, ठीक है, और दूसरी AP है मेरे पास ये, इसका मैंने A2 माना था, प्रथम AP का सारांतर मैंने क्या माना था D1 और दूसरी AP का सारांतर D2 माना था,
अब अगर मैं बात करता हूँ कि प्रथम एपी का 12वां पद क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि सर हम 12वें पद को A12 से शो करेंगे और इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर प्रथम एपी A1 और D1 है तो A1 प्लस 11 D1 लिखेंगे। नहीं, उसी प्रकार से दूसरी एपी का 12वां पद तुम क्या लिखोगे कि A2 प्लस में 11 D2। ये बेसिक फॉर्मूले तुमने हाई स्कूल में सीखी होंगी, पता है नहीं है। तो अब देखिए बच्चों, ऐसे मैंने क्यों करा है, इनका रेशियो पूछ रहा है। देखिए दोनों एपी के 12वें पद का अनुपात हमसे पूछ रहा है। अनुपात का मतलब इनको डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब ये है कि A1 के अपॉन में 11 D1 और A2 के अपॉन में 11 D2। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? आई समझ में? 12वें पद का जो एपी का अनुपात है वो ये होगा नहीं होगा, A12 बराबर के A1 प्लस 11 D1, और A12 दूसरी एपी के लिए A12वां पद क्या होगा, A2 प्लस 11 D2। अब क्या करना है बेसिकली, आपको इस 12वें पद का अनुपात जो ये हमारे पास आया है रेशियो, इसकी तुलना करनी है इस वाली टर्म्स से। ध्यान दो मेरी बात पे, यहाँ A1 है, यहाँ पर A1 है, ठीक है। यहाँ D1 है, यहाँ D1 है। यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A2 है। यहाँ पे D2 है, यहाँ पे D2 है। जब इसकी तुलना करता हूँ ना मैं इससे, तो मुझे जो D1 के इंटू में कोफिशियंट है n-1/2, इसकी तुलना होगी इसके इक्वल 11, ठीक है। तो यहाँ से तुलना करने पर चाहे तो ये मान लो A1 से A1 कैंसिल, D1 से D1 कैंसिल, और A2 से A2 कैंसिल, D2 से D2 कैंसिल। तो यहाँ ये नंबर बच जाएगा 11 और यहाँ बच जाएगा बीच वाला नंबर। इसकी तुलना कर देंगे इससे और यहाँ से n का मान निकाल लेंगे। तो ये आपको केवल रफ में करना है और या तो आप साइड में दिखा देना है एग्जामिनर को, ठीक है। तो देखिए इसकी तुलना करने पर, इस नंबर की तुलना कर रहा हूँ मैं इससे, तो सिंस यहाँ पे लिखना है आपको n-1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 11 आएगा, यहाँ इसके नीचे करना है, ठीक है। अब बात समझ में आपको आ रही होगी कि n का मान हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 11 2 जो 22, एन इज इक्वल टू 22 प्लस में 1, एन इज इक्वल टू 23, ठीक है। एन की मान मैंने पुट कर दिया, मतलब एन का मान मैंने निकाल दिया यहाँ से। अब एन का ये वाला मान यहाँ पुट करना पड़ेगा जहाँ जहाँ एन है, ठीक है। तो इसको चाहिए मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिख लो समीकरण एक से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, समीकरण नंबर एक से। अब इस n के मान को यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, A1 सेम, n की वैल्यू 23 माइनस में 1/2 और D1, A2 सेम और n n की वैल्यू 23 माइनस में 1/2 और D2 की वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान से, D2 कितना है, D2 हमें नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए अनुपात रेशियो क्या चल रहा है, इक्वल में 3n+18 8 और 7n+15। इतनी बात समझ में आई, क्लियर? यहाँ भी रखनी एन की वैल्यू है, यहाँ एन की वैल्यू नहीं रखनी कहाँ पे, पीछे वाले, हाँ यहाँ पर भी एन की वैल्यू रखनी, थोड़ा बाई मिस्टेक, बच्चे यहाँ की होशियार है थोड़ा सा, गुड वेरी गुड अभिषेक, बहुत ज़्यादा होशियार है। हाँ यहाँ भी रखनी थी, ठीक है, यहाँ पर भी n की वैल्यू रखनी है, इस बात का ध्यान दे, बाई मिस्टेक वो छूट गई थी। n की वैल्यू कितनी है, 23, गुड वेरी गुड अभिषेक, प्लस में 8, यहाँ पे 7, n की वैल्यू 23 प्लस में 15, चलो बहुत बढ़िया। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको पहले सॉल्व करना बस आपको आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A1 प्लस 23 में से 1 माइनस होगा, 22 आएगा, 22/2 इंटू D1, फिर A2 प्लस 22 आएगा 23 में से 1 माइनस हो करके, अपॉन में 2 चल रहा है, इंटू में D2 इक्वल में, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, 23 3 69 होता है, टेबल आपको याद होनी चाहिए, 69 और प्लस में 8,
और यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ 7 है, 7 का मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 जा 21, 2 कैरी 7 2 जा 14, 14 और 2 कितना होगा 16, 161 प्लस में 15। अब देखें यहाँ पे इससे इसको कर लो कट, 11 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2, 11 टाइम कट जाएगा। A1 प्लस यहाँ पे 11 D1 और A2 प्लस 11 D2 और इक्वल टू, इसको ऐड कर लो, 8 1 9 और 8 कितना होगा 17 का 6, ठीक है। और फिर कितनी कैरी हो जाएगी, थोड़ा एक मिनट है, 7 बच जाएगा, ठीक है। देखिए 7 1 कैरी 6 1 7, इसको ऐड कर लीजिएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और 5 1 6 और 7 और 1, ठीक है, सही है ना। 5 1 6, 6 1 7, 1 का 1। अब देखिए बच्चों, A1 प्लस 11 D1, A2 प्लस 11 D2 किसका फॉर्मूला है, ये पहली एपी का 12वां पद का फॉर्मूला है, पहली एपी का 12वां जो पद होगा उसका फॉर्मूला है ये वाला। तो यहाँ लिख दो A12 प्रथम एपी के लिए, ये दूसरी एपी के लिए A12, ठीक है, बराबर। और देखिए ये आपस में कट हो जाएगा, 11 से कट हो जाएगा, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, और कितना बचेगा 6, 11 6 जा 66, तो 7/16। तो पहली एपी और दूसरी एपी का जो 12वां पद होगा उनका अनुपात क्या आएगा, लिख सकते हैं आप, A12 = 7:16, ये आंसर है आपका, चेक कर लो आराम से, ठीक है, क्लियरली आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे प्रथम एपी का अगर प्रथम पद शो करने का तरीका कुछ और मानना है ना, तो आप एक काम कर लो, यहाँ पे कैपिटल मान लो ना, दूसरी एपी के लिए मान लो आप कैपिटल ए, 12वां पद दूसरी एपी का मान लो कैपिटल ए, ठीक है। चलो तो ये आपका आंसर आ गया, तो इसको बिल्कुल सही से नोट करना है, बिल्कुल राइट वे में।